तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूले में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ेंगे। तो तोशना जी का प्रॉब्लम है, उनके पास एक डेटा है, चलिए उस डेटा को मैं टाइप करता हूँ। तो उनके पास जो डेटा है कुछ इस तरह से है, जैसे कि 41.3 mm, फिर ब्रैकेट में 11 / 2 इंच, और फिर है सी पी वी सी P21, सॉरी। ठीक है, तो उनका कहना है कि इसमें जो 21 है P के बाद, इस 20 उसमें एक गैप वाला है, स्ट्रैक करना चाहता है। उसमें एक स्पेस है जो 141.3 mm है, उसके बाद में एक गैप है, उससे एक मतलब स्पेस नहीं है, है। उससे प्रॉब्लम नहीं। आप ओके डेटा चाहे कुछ भी हो, आपको ब्रैकेट में जो P के बाद दिया हुआ है वही चाहिए ना आपको, हाँ क्या? जी। चलिए हम उसी पे डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें ब्रैकेट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ एक ब्रैकेट तो यहां पे है 11/2, ये रहेगा ही रहेगा, या किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा? नहीं, वो रहेगा। ओके, मतलब कि हमें दूसरे ब्रैकेट का लेना है ना। हाँ लास्ट वाला। और यहाँ पे P20 यहाँ पे आपका, तो हमें क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड का, ध्यान रखिएगा, फाइंड और सर्च। फाइंड का फॉर्मूला हाँ क्या करता है कि यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट को सर्च, फाइंड और सर्च दोनों फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, और किस में सर्च कर सकते हैं? तो इसमें, और स्टार्टिंग तो हमने दे दिया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि 26 से मेरा फॉर्मूला स्टार्ट, राइट? हाँ ये है कि यहाँ पे दो डिजिट या तीन डिजिट भी हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 180 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है ना सर। हाँ राइट। तो यहाँ पे उसी हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चला कि 26, मतलब कि 26 मतलब क्या समझे, करेक्टर 1 2 3 4 हाँ5 6 7 ऐसे करेक्टर काउंट किया, और जहां से ब्रैकेट स्टार्ट है वहां पे नहीं काउंट। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग ब्रैकेट कर दूं, मैं यहाँ पे लिखू, लेकिन इसके बाद कोई टेक्स्ट तो नहीं होगा ना सर। नहीं, ये ब्रैकेट लास्ट ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे राइट, इसका राइट का राइट फॉर्मूला क्या करता है, जैसे राइट फॉर्मूला लगाया और मैंने बोला कि दो डिजिट अलग कर दो, तो राइट से दो करेक्टर को अलग कर देगा, लेकिन मुझे राइट दो करेक्टर अलग नहीं करना है। तो हमने यहां पे दिया कि लेन, हमने बोला लेन, और इसमें हमने बोला कि जितनी इसकी लेंथ है उसमें से 26 को माइनस करके इस, लेकिन इसकी लास्ट ब्रैकेट भी आ गई। ठीक है, इसकी लास्ट ब्रैकेट भी, लेकिन लास्ट वाली ब्रैकेट तो नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने वापस इस फॉर्मूले में लेन का फॉर्मूला, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, और हमने बोला कि इसकी लेन जितनी है, मतलब कि ये जो कैरेक्टर है, ये पूरा फॉर्मूला कॉपी करके मैंने रखा, और हमने बोला इसमें से एक टर्म, आप लेकिन सिर्फ P21 आती, सिर्फ P चाहिए ना चाहिए आपको?
नहीं, मुझे खाली 21 चाहिए। ओके, तो इसमें हमने प्लस वन कर दिया, ये माइनस वन करना पड़ेगा, माफ कीजिए, माइनस वन कर दिया, और इस पे भी हम माइनस वन करते हैं। इसे दोबारा से लगाना पड़ेगा, इसमें आप बोलते हैं हमें पी नहीं चाहिए, राइट? मैंने माइनस टू किया, तो 21 आ गया। अगर मैं यहां पे 210 कर दूं, चाहे 201 कर दूं, 201 आ रहा है। फिर हम इसी फॉर्मूले को लेते हैं, इस लास्ट में जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए, ठीक है सर? इसको हम मिड से भी कर सकते हैं कि मिड इसमें जाओ और पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करो और नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर में हमने बोल दिया लेन माइनस वन, ठीक है। अब मैं इसमें अगर 210 करूं तो 210 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या क्या कर दिया, समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको करते हैं। फॉर्मूला मेथड इसी चीज में अप्लाई करेंगे जो कि मैंने आपको परसों जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड का, और फाइंड फॉर्मूले में हमने बोला कि भाई ब्रैकेट स्टार्टिंग और हमने साथ में पी दे दिया। अब ध्यान रखिएगा पी कैप्स में ही होना चाहिए, स्मॉल में होता है, फाइंड के जगह पे सर्च का इस्तेमाल है। कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा वन कर दिया, आपको 26 बता रहा है, बताया 26? ये 26 बता रहा है, 26 क्या है? अगर आप यहां से काउंट करोगे तो ये ब्रैकेट तक जब आओगे तो इसका काउंट आपको दिखेगा 26। एक 20 बता रहा है कि जो वर्ड आपने फाइंड किया है वो आपके सेल के अंदर में 26 नंबर से स्टार्ट है, राइट? राइट। तो मुझे इसमें से हमारे पास एक और फॉर्मूला है लेन की। लेन फॉर्मूला क्या बताता है? इसमें कितने करेक्टर टोटल डले हुए हैं? डले हुए हैं 31 लेंथ। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 26 से चलना है और 31 से एक कम लेना है। तो हमने यहाँ पे मिड का फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला मिड लगा सकते हैं, और मैंने बोला कि इसमें जाओ 26 से चलो और 31 माइनस 26 करेक्टर, तो पी 210 ले लिया। तो 36 ये आपका मतलब कि हमें पता करना है कि आखिर नंबर ऑफ करेक्टर कितना है। तो ये आया 5 आया। अब 5 इसलिए आया कि जो है वो पी की ब्रैकेट, जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है पी से पहले, यहां से काउंटिंग करता है। तो अगर मैं एक काम करूं तो 26 में से 26 जो हमारा है उसमें अगर हम प्लस 1 कर देते हैं तो पी ब्रैकेट हट गया। अगर मैं प्लस 2 कर देता हूं हट गया, और इसमें से माइनस वन कर दूं 36 में, माइनस वन से 210, माइनस टू कर दूं, माइनस टू करने पे क्या हो गया 210 हो गया। अब मैं इसके अंदर 210 ना डालूं, मैं कर देता हूं 50, तो 50 करने में फिर दिक्कत आ रही है, माइनस एक ही कर, एक ही माइनस इसमें करना चाहिए, इसमें एक मिनट, 26 प्लस 2 मतलब कि 28 को घटाना है।
इसपे नंबर ए जो हमारा है नंबर ऑफ करेक्टर है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको अलग करना है। तो हमने 26 प्लस 2 कर दिया, मतलब कि हमें 28 मतलब 50 से स्टार्ट करना है। और इससे कितना कैरेक्टर लेना है, इसके बाद जितना भी कैरेक्टर आता है उससे एक कम। तो हमने इसके साथ इसको अटैच नहीं किया हुआ ना, इस माइनस 1 ही होगा, 1 माफ कीजिएगा 2 होगा, 2 होगा। पहले आपने जो सेल में लगाया था वो तो सही, 26 माइनस 1 ऐसे बना होगा। अब यहां पे मैं इसको 500 करता हूं तो 500 हो गया। ऐसा दिक्कत इसलिए हो रहा था कि हम सेल्स को लिंक नहीं किए थे, मैनुअल डाल दिए थे। जब करेक्टर चेंज करते थे तो लेंथ चेंज होता था ना सर। सर हेलो, हाँ बोलिए सर। ये तो मेरे कुछ पता ही नहीं पड़ रहा ये वाला। तो सिंपल सी बात समझिए, इसको समझने के लिए आपको तीन फॉर्मूले समझने होंगे। पहला समझ आपको, इसे एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ मैं, नंबर लिखता हूँ। एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ना सर, हमारे पास तीन फॉर्मूला है। अब इसमें से अब इसे टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है, मुझे इसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना है। मुझे स्टार्टिंग से तीन करेक्टर चाहिए, तो इसके लिए हमें लेफ्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और लेफ्ट में देंगे 3, तो स्टार्टिंग से 3 को अलग कर देंगे, राइट। और दूसरा है फॉर्मूला राइट। राइट क्या बोलता है, ये बोला है कि भाई लास्ट से 3 करेक्टर अलग। और दूसरा फॉर्मूला है मिड, कि बीच में से किसी फॉर्मूले को अलग कर सकते हो। तो हमने यहां पे बोला कि तीसरा चौथे नंबर से 3 करेक्टर को अलग करो, तो अलग हो गया। चौथी पांच है, माफ कीजिए 5 है। तो लेफ्ट क्या करता है, जितना नंबर देंगे उतना करेक्टर लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करके शो कर देगा। राइट क्या करेगा, जितना नंबर देंगे उतना राइट से स्ट्रैक करके शो कर देगा। और मिड पे आपको बताना होगा कि आपका मिड स्टार्ट कहां से हो रहा है और जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से कितना करेक्टर वो अलग करेगा। हमने बोला पांचवें नंबर करेक्टर, इसने यहां से काउंट किया 1 2 3 4 और 9 क्या है हमारा 5 है, तो 5 से 3 तो 5 6 3 मतलब 1 2 3 तीन करेक्टर को इसने अलग कर। आपको भंडारी जी तीन फॉर्मूले। अब मान लीजिए कि मुझे अभी मुझे ये नहीं पता है कि अलग कहां से करना, हमें पता है कि डॉट से पहले लेना है, समझे। अब डॉट से पहले 3 करेक्टर हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि फाइंड है, जो बताता है कि आपका फाइंड है सर्च फॉर्मूला, कि जो आप डॉट या जो करेक्टर ढूंढना चाहते हैं उस सेल के अंदर कितने नंबर पोजीशन पे, समझे। तो इसने बता दिया पांचवें नंबर पे है, तो मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं यहां पे दूंगा कि भाई इसमें से माइनस 5 से एक कम, 5 डॉट तक का है तो 5 से एक कम था। दोबारा बताना सर, दोबारा लेफ्ट का। मान लीजिए मुझे अगर इसमें से एक, मुझे ये ना पता हो कितना करेक्टर अलग करना है, तो उस केस अच्छा हमें ये पता है कि डॉट से पहले लेना है, तो फाइंड फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसमें हम डॉट को इसमें सर्च करेंगे। अच्छा सर, क्या करेगा, बता देगा कि इसमें फाइंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो उसका पोजिशन क्या है। अच्छा, मेंबर करेक्टर हमने लेफ्ट को बोल दिया कि भाई उस F1 में से F3-1 कि जो फाइनल में रिजल्ट उसमें से एक कम उठा लो सर। आगे रिजल्ट, अब मैं डॉट से
आगे चाहे जितना लेटर डालूं वो अलग कर देगा, ये ऑटोमेटेड हो गया। तो सेम चीज यहां पे है कि हमें जो पी के बाद का जो नंबर है, ब्रैकेट के अंदर जो पी है, पी के बाद जो नंबर है उस नंबर को अलग कर, समझे? जैसे मुझे यहां डॉट से पहले अलग करना था, तो मैंने इसके लिए सबसे पहले तो फाइंड का फॉर्मूला लगा। फाइंड के फॉर्मूले में हमने बोला कि ब्रैकेट के अंदर में पी इसमें है तो कहां है, इसने बोला कि भाई 26 नंबर पे है, तो ब्रैकेट और पी को भी इसने काउंट कर लिया, तो एक्चुअल में नंबर जो हुआ नंबर हुआ 28 पे। अब मुझे 28 के का नंबर लेना है, तो उसमें वन जो लगा है वन का मतलब हुआ, कॉमा वन के मतलब हुआ कि जो ढूंढेगा वो स्टार्टिंग से ढूंढेगा। ओके, इसका भी कंसेप्ट मैं आगे की क्लास में समझाऊंगा। फिर फॉर्मूला लगाया फाइंड का, सॉरी इसका अब मैं इस पे कई फॉर्म में लगा सकता हूँ, मैं इस पे लगा सकता हूँ इसका राइट का कि यहाँ पे कि इक्वल राइट, राइट में हमने बोला कि मुझे राइट से अलग करना है, लेकिन कितना करेक्टर अलग करना है, तो हमने बोला कि जो टोटल करेक्टर है जो जिसका काउंट लेंथ बताता है, लेन फॉर्मूला लेन बताता है कि कितने करेक्टर है, 30 बता दिया, तो उसमें से मुझे 26 जो 28 है हमारा उसको माइनस करना है, ठीक है, और उतना करेक्टर मुझे अलग करना है। प्लस टू में या फिर प्लस थ्री करना, नहीं प्लस थ्री नहीं प्लस वन, तो ये चेक करना होगा कि क्या है करेक्ट। तो अगर मैं यहां पे 500 करता हूं तो क्या होगा, 500 आ गया, अगर 50 करता हूं तो 50 आ गया, लेकिन लास्ट में ब्रैकेट लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ब्रैकेट ना हो, तो मैंने फिर वापस वही फॉर्मूला लेफ्ट का लगाया कि लेफ्ट मुझे इसमें से लेफ्ट से 55 से अलग करना करे, और जितना इसका लेंथ है, सॉरी लेफ्ट जितना इसका लेंथ है उस लेंथ में से एक कम अलग कर, क्योंकि एक मिस ब्राइट। तो अगर मैं 500 करूंगा तो 500 अलग होगा, 50 होगा तो 50 अलग होगा, 200 होगा तो 200 अलग होगा, या फिर मैं यहां पे 2000 कर दिया तो मेरा 2000 अलग होगा, ठीक है। लेकिन इसको हमने तीन अलग अलग फॉर्मूले पे किया है, तो अब इसको मर्ज करना है, तो सबसे पहले हम इस फाइंड को लेते हैं। आपको याद होगा मैंने परसों क्लास में बताया था, अब इसको सिलेक्ट करके मैंने कॉपी किया और यहां जैसे B9 है, यहां देखिए आपको B9 दिखेगा, तो B9 के जगह पे मैं B9 का फॉर्मूला, यहां भी हमारा यहां B8 है, B9 नहीं है, अब यहां क्या है हमारा B8 है, अब B8 का फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे और B8 के ऊपर जहां जहां B8 है उसके जगह हम इसको पेस्ट कर, सिंपल हो गया। तो अब मेरा एक फॉर्मूला ए बन गया जो कि ब्रैकेट के बाद से अलग करेगा नंबर्स, चाहे नंबर कितना भी डिजिट का क्यों ना हो, ठीक है। तोष नारायण जी, प्रदीप जी, सब लोगों को समझ में आ गया? जी जी चंद्र जी, कोई डाउट में आपको? ये बहुत एडवांस लेवल का फार्मूला है और मेरे को अनरिलेटेड लग रहा है कि मतलब क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी,
तो मैं खाली देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरत इसकी आपको पड़ेगी, आप बताते हैं जरूरत क्यों पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, जरूरत इस तरह के फार्मूले की क्यों जरूरत पड़ेगी, मतलब मैं वही आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे कि टैली से आप डेटा डाउनलोड करते हैं ना, हाँ, अब टैली से डेटा डाउनलोड हुआ, उसमें क्या हुआ कि ऐसे है कुछ इस तरह से, सुजीत कुमार F110 दिल्ली, ठीक है, पिन नंबर 1062, मेल kumar@ipptindia.com, मोबाइल 88। दिख गया सर आपको ये? अब आपके पास हजारों लोगों का इस तरह का डेटा आया हुआ है, अब मुझे इसमें से ईमेल आईडी को अलग करना है या फिर मुझे अलग करना है इसको मोबाइल नंबर को, ताकि मैं इससे अपने डेटाबेस में, क्योंकि मान लीजिए कि ईमेल आईडी इज द एक नंबर है, एक यूनिक है जिससे मैं अपनी ट्रेसिंग कर सकूंगा, समझ आ गया। या फिर बैंक स्टेटमेंट्स हो तो बैंक स्टेटमेंट में चेक नंबर, जैसे बैंक स्टेटमेंट की हम बात करें तो बैंक स्टेटमेंट में भी ऐसा होता है, जैसे कि अकाउंट इस तरह से जब आप पीडीएफ से डेटा कॉपी करते हैं तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, चेक नंबर, चेक होता है, चेक नंबर में ट्रांजेक्शन नंबर होते हैं इस तरह का, चेक का अब मेरे पास बैंक से इस तरह का डेटा आया, लेकिन मेरे पास जो डेटा है या फिर मेरे अकाउंट में डेटा है वो इस तरह का है कि चेक नंबर और अमाउंट और यहाँ पे कस्टमर यानी कि पार्टी नेम। अब मुझे देखना है ये किस किस पार्टी का चेक क्लियर हो गया, तो क्या मैं कर सकता हूं इसमें, देख सकता हूं क्या मैच हो सकती है सर चंद्र जी? सर ऐसी मैंने रिपोर्ट टैली से एक्सपोर्ट करके देखी नहीं कभी, टैली नहीं मतलब इस तरह आती है ऑनलाइन टैली या किसी से भी इस है आती है सर ऐसी रिपोर्ट्स, जब पीडीएफ में रिपोर्ट्स आएगी जब पीडीएफ को कन्वर्ट करेंगे एक्सेल में, आपको अगर एक्सेल में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप रिपोर्ट पीडीएफ में आई हुई है, जब पीडीएफ को कन्वर्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको एक जस्ट आपको एक फॉर्मेटेड डेटा मिले, समझ गया ना? मैं समझ रहा हूँ, ऐसी डेटा बहुत आती है मेरे पास इस तरह की okay. दिन भर में कम से कम दो चार तो आ ही जाते हैं फोन पे कि सर मुझे ऐसी सी प्रॉब्लम है, ऐसे अलग करना है। अच्छा ठीक है, जिनकी समस्या आई होगी उनके लिए ठीक है। अच्छा। या फिर आप अगर आईटी टीम में हैं, अब एक देखिए अगर आप आईटी टीम में हैं तो आईटी टीम में जो यूजर आईडी होता है ना सर, एक तो इस तरह से होता है कि यूजर 79320। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये डेबिट क्रेडिट से याद आ गया, जैसे कि मेरे को आता है ये अकाउंट टीम से कि एक जो वैल्यू आती है उसमें क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है, और नीचे उसका डेबिट या क्रेडिट होता है, तो उस वैल्यू को हम अलग नहीं कर पाते क्योंकि फॉर्मेट भेजिएगा तो मैं अलग कर दूंगा। अब देखिए देखिए सुंदर जी काम आ गया, जाहिर सी देखिए क्या है कि जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना सर, तो हम उसके नहीं देते कि अभी आपके पास काम क्या है, हमें सोच के कि आप एक्सपर्ट बने और किसी भी तरह के काम को कर सके। हो सकता है कि अभी आपके पास इस तरह का काम ना है, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि इन फ्यूचर में काम ऐसा नहीं आएगा? तो आप तैयार रहेंगे ना हर चीज के लिए,
बच्चों को 8-10 टीके क्यों लगाया जाते हैं? जरूरी थोड़ी है कि सबको खसरा और मलेरिया पकड़ी लेगा क्या? मैं एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ मिस्टर दीपेंद्र को, अगर आप परमिशन देंगे तो। बोलिए। देखिए मिस्टर दीपेंद्र, यहाँ पे जो ये जो एग्जांपल है, इसमें जो P180 लिखा हुआ है ना, ये मान लीजिए कोई एक बॉक्स के अंदर 180 पीस रखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गया। ये आइटम कोड एक आइटम कोड है, उसके अंदर में एक बॉक्स में 180 पीस रखा हुआ है और मेरे पास 900 पीस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मैं 900 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 900 / 180 करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे 180 यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो एक आइटम है, ठीक है, मैं निकाल दूंगा मेरे पास, लेकिन 1000 आइटम है, तो मुझे ये 180 और हाँ, इसका सही सही बोला आपने, मुझे इसकी जरूरत थी। आप लोग QR कोड के बारे में जानते होंगे? जी जी जानते हैं। तो क्या हुआ, जब आप जब QR कोड से किसी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं तो पूरी डिटेल्स आती है ना? क्या वो डिटेल्स पूरी, वो डिटेल्स पूरी फॉर्मेटेड होती है टेबल फॉर्मेट में, वो एक लाइन में सब कुछ लिखा होता है? नहीं नहीं, टेक्स्ट में होता है पूरा। हाँ, तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो है मतलब कि एक स्कैनर लगा हुआ है, हम उसको सटाते हैं तो QR कोड जब उसको रीड करके पूरी उसकी टेक्स्ट को पेस्ट कर देता है, लेकिन उसमें से मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में करना होता है। जैसे आधार कार्ड का ही ले लीजिए ना, जब आधार कार्ड के QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन कीजिए तो क्या आएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, नेम, आधार नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग आएगा, लेकिन वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। अगर उसको कॉपी करके कहीं आप पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, वो एक सेल में एंट्री होगा ना, इस तरह से इससे पहले मैंने दिखाया, इस तरह से एंट्री होगा ना। अब या लेकिन प्रॉब्लम है कि एज ए डेटाबेस में इस तरह की चीजें तो आप नहीं रख सकते ना, इसको तो आप सेपरेट रखोगे ना, ठीक है? तो इसपे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि इफ कंडीशन में कुछ बना के भेजिए, तो बनाइए और मुझे भेजिए, कल हम इस पे आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सर इसको भेजना कैसे है? मेल पे ऑफिस से भेजना है, फाइल बनाइए, फाइल सेव कीजिए, फाइल को मेल दीजिए जीमेल से। अच्छा अच्छा सर, ठीक है।